हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे हम पीएचपी में सीएसपी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। बोलकर यहाँ पर देखो, उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए सीएसपी बोले तो क्या। बोलकर सीएसपी बोले तो कामा सेपरेटर वैल्यूज। इसका नाम सीएसपी क्यों रखे बोले तो ये कामा सेपरेटर वैल्यू से सेव होता है फाइल में, बस इतना ही। हम सीएसपी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं पीएचपी में। हमारे को पीएचपी बोला है तुम सीएसपी फाइल को रीड करना है बोले तो मैं एफ गेट सीएसपी फंक्शन तुम्हारे को देऊंगा। हमारे को एफ गेट सीएसपी फंक्शन प्रदान करा है पीएचपी। उस एफ गेट सीएसपी फंक्शन को यूज कर हम पीएचपी फाइल से सीएसपी फाइल को हम रीड कर सकते हैं। तुम्हारे को दिखाऊंगा, अब मैं एफ गेट सी फंक्शन पर जाऊंगा। उस एफ गेट सी एस पी फंक्शन में क्या क्या है बोलकर तुम्हारे को देखो। यहाँ पर देखो, ये एफ गेट सी एस पी फंक्शन पैरामीटर क्या लेगा उसको समझ लें। एफ गेट सी एस पी फंक्शन पैरामीटर लेगा एक फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट उस तुम कौन सा सी एस पी फाइल को रीड करना चाहते हैं ना, उस सी एस पी फाइल को पहले ओपन करो रीड मोड में। उसको ओपन करने के बाद एफ ओपन फंक्शन वो एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, उस फाइल ऑब्जेक्ट को गेट सी एस पी फंक्शन में डालो, बस इतना ही है। उस इसी फंक्शन को एफ गेट सी एस पी फंक्शन में एक फाइल ऑब्जेक्ट डाला है। देखो, अब इस डालने के बाद इसको रीड करना ना, अब एफ गेट सी एस पी फंक्शन क्या करेगा बोलते, एक उस एक रो 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 एक एक रो रो देगा मेरे दिखाऊंगा तुम्हारे को। पहले हम पूरा समझेंगे एफ गेट सी एस पी फंक्शन क्या क्या पैरामीटर लेगा बोलते बोलकर। ये फोर पैरामीटर लेगा। फर्स्ट का पैरामीटर फाइल है ना, वो मैंडेटरी है। फाइल बोलते फाइल का वही ऑब्जेक्ट, ये लेंथ देना, सेपरेटर देना, एनक्लोजर, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ो तो बस। अब हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं, अब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे करेंगे प्रैक्टिकल। पहले मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा सी एस पी फाइल मेरा। मेरा सी एस पी फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, या फाइल वन से मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसको। पहले है रजिस्टर नंबर नेम, उस रजिस्टर नंबर पूरा करूँगा इसको। अब देखो उस रजिस्टर नंबर में क्या रखा हूँ बोले तो मैं एक रजिस्टर नंबर डाला हूँ, और यहाँ पर नेम में नेम डाला। इसको मैं रीड करना चाहता हूँ पीएचपी फाइल में। ये बहुत यूज होता तुम्हारे को, तुम कौन सा तो प्रोजेक्ट करने टाइम ये बहुत यूज होता। इसको रीड करने से मैं एक एडिटर यूज करूंगा यहाँ पर, फिर मैं एडिटर यूज करूंगा एन ए राइटर बोलकर, पर एक एडिटर यूज करूंगा। इस एडिटर में मैं जाऊंगा यहाँ पर देखो, इस एडिटर में मैं करूंगा पीएचपी फाइल को रीड करना है ना मेरे को, बस ये करूंगा पीएचपी बोलकर। पीएचपी को क्लोज करूंगा बस। अब मैं कर रहा हूँ इसको पहले फाइल ओपन करना चाहना ना मेरे को ओपन। अब ओपन फाइल करने के लिए आप ओपन फंक्शन है ओपन। आप ओपन फंक्शन में मैं कौन सा फाइल को रीड करना चाहता हूँ, फाइल वन डॉट पीएचपी, इसको रीड मोड में मैं करना चाहता हूँ। ये एफ फाइल रीड वन, इसमें इसको कौन सा फोल्डर में सेव करता ना, उसी फोल्डर में ये रहना, मेरा उसी फोल्डर में ये रह रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट पाथ दिया हूँ। तुम पाथ देना तुम्हारा सी फोल्डर में रहते हो, तुम सी फोल्डर बोलकर पाथ दो, मेरा इसी फोल्डर में, इसलिए मैं पाथ नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। अब रीड मोड बाय डिफॉल्ट एफ ओपन नहीं करा बोले तो ये ओपन फाइल एक बार एरर आया तो मेरे को ऐसा दिखाना चाहिए। मैं एक डाई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ पीएचपी में, एक डाई फंक्शन रहेगा कुछ तो, ये फेल हुए तो ये आर होता ना, ये चलता, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइल इज नॉट ओपन, नॉट ओपन पर एरर दिखाना मेरे को, ऐसे एरर दिखाना, फाइल इज नॉट ओपन एरर देखना बस। अब एक फाइल ऑब्जेक्ट लेना ना, फाइल
वो बीजे बोलकर इसको ले आऊंगा। इस गेट्स सीएसपी फाइल में इसको डालना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर यप गेट सीएसपी फाइल में मैं डाल रहा हूँ। यप ओबीजी बस। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे को दिखाऊंगा ये यप गेट सीएसपी फंक्शन रहेगा ना, ये यप गेट सीएसपी फंक्शन, ये यप गेट सीएसपी फंक्शन। अब यप ओबीजी डालना हूँ उस फाइल फाइल डॉट ऑन सीएसपी। ये पहले इसका पहले का रो रिटर्न करेगा हमारे, पहले का रो क्या कौन सा है दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ पर देखो पहले का रो रजिस्टर नंबर नेम, इसको हम रिटर्न करेगा। इसको हम कैसा रिटर्न करेगा बोले तो ये रजिस्टर नंबर रो जीरो में रहेगा, ये नेम रो वन में रहता। ऐसे ही तुम्हारे को कॉलम बहुत रहता, रो टू रो थ्री रो फोर ऐसे ही रहता था। अब कॉलम टू तक ही है इसलिए रो जीरो रो वन इतना तक रिटर्न करेगा वो। अब रिटर्न करेगा। गेट सी एस पी फंक्शन में ये कन्फ्यूज है, तुम कन्फ्यूज मत ले हो। पी एच पी में कैसा करे हमारे को पता नहीं, ये पहले का रहता ना रीड कर सकता है बट कंपेयर करना टाइम ये मैच नहीं होता। मैं इसको पहले का लाइन को मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज है पी एच पी में। अब मैं इसको रो बोलकर यहाँ पर ही छोड़ूंगा बस बस। अब एक इसको वही लूप में डालूंगा क्योंकि ये पहले का रो में यहाँ पर रजिस्टर नंबर एंड नेम आया बट उसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर वाइल ऐसे लिख रहा हूँ, वाइल रो इज इक्वल टू एफ गेट सी एस पी, यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइल का ऑब्जेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट समझ लो, ये क्या रिटर्न करेगा। ये ट्रू हुए तो एक एरर रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स हुए तो ये क्या रिटर्न, फॉल्स हुए तो नल रिटर्न करेगा। ये ओपन नहीं कर रहा इस ऑब्जेक्ट को, नल रिटर्न करेगा। हाँ नल रिटर्न करेगा याद रख लो। और ये तीन टाइम्स का रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक बार ये लास्ट में जाए तो, लास्ट में हम सी एस पी फाइल का लास्ट में जाए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए हम पर फॉल्स करेंगे। फॉल्स नॉट इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स होने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड होना चाहिए। फॉल्स कब रिटर्न करेगा बोले तो मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। ये हमारा फाइल है ना तब तक गुर्राज तक रहेगा, गुर्राज होने के बाद ये पॉइंटर इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर आने के बाद ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बस इतना ही। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये रो में पहले रजिस्टर, इस रो में रजिस्टर नंबर आएगा, इस रो में इसमें रजिस्टर नंबर एंड नेम आएगा। बट गेट सी एस पी फंक्शन में पहले ये रो में उसको पहले का कॉलम लेने के लिए थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं उसको इग्नोर करा, उस रो में इसको इसके अंदर डाला हूँ और यहाँ पर डाल रहा हूँ रो में। यहाँ गेट सी एस पी फंक्शन पहले रिटर्न करे ना वो रजिस्टर नंबर नेम, और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर क्या होगा बोले तो यहाँ पर ये आएगा। पहले इसको प्रिंट कर, ये इसको डाला रो में, और रो में डालने के बाद और भी बार मैं असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर आएगा पॉइंटर। यहाँ पर 109 CS यहाँ पर पॉइंटर आएगा। पॉइंटर वहाँ पर आने के बाद पर पहले का रो का कॉलम मेरे को प्रिंट करना ना, इसलिए उसको कॉलम को प्रिंट करने के लिए रो जीरो डालना, और सेकंड कॉलम को प्रिंट करने के लिए रो वन डालना, ऐसे ही डालना था। अब मैं डाल रहा हूँ यको, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ यको रजिस्टर नंबर उसमें मैं डाल रहा हूँ रो जीरो। अब पर एच वन में इसको प्रिंट करूँगा, H1 प्रिंट करूंगा थोड़ा। बस और यहाँ पर एको बोलकर मारूंगा इसको भी, H1 पर प्रिंट करूंगा। सेकंड का मेरे को प्रिंट करना था नेम को,
रो वन बोलकर मारूंगा। देखो अब देखो ये कैसा चलेगा बोले तो, यहाँ पर रो है ना, ये एफ गेट सी एस फंक्शन, पर मेरा पहले 109 सी एस ये डालेगा, ये डालने के बाद ये तो अरे है, ये ट्रू होगा, इसके अंदर आएगा, ट्रू होने के बाद इसके अंदर आएगा, ये रन करेगा, यहाँ पर 109 सी एस 1806, यहाँ पर ये प्रिंट होगा और अखिलेश रेड्डी प्रिंट होगा। सेकेंड के बाद और इंक्रीमेंट होगा और 107 डालेगा, यहाँ पर 109 सी एस 1807 डालेगा, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा, यहाँ पर 0018 ऐसा आएगा, तुम्हारे को बताऊंगा कंफ्यूज हुए तो। पहले ये रो में ये डालेगा, उसको हम प्रिंट करेगा कर देना, और इसको पहले 109 CS 1800, इसको थोड़ा हाँ ये डालेगा 109 CS 1800 7, ये डालेगा ऐसे ही, ये होने के बाद ऐसे ही पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही होता बताए। अब देखो ऐसे ही रो 0 बोले तो ऐसे 7 होता, अब सोने होने के बाद अब और एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, 8 होता, 8 होने के बाद और 9 हो रहा, 9 हो रहा, 9 होगा, 9 होने के बाद 10 ये ऐसे ही आए तो लास्ट में एम्प्टी रहेगा ना, एम्प्टी रहे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एम गेट सी एस होंगे फॉल्स रिटर्न करेगा, ये लूप से एंड होता, हमारा लूप से एंड हो जाता, हम बाहर आते बस, नहीं अब प्रिंट नहीं होता, तो इसको सेव करूंगा, इसको सेव करूंगा, इसको एसटी डॉक्स में सेव करूंगा मैं, एसटी डॉक्स को अब इसका नाम देऊंगा मैं, रीड पीएचपी डॉट पीएचपी। अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, इसको रन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर करना चाहिए मेरे को पी एस, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पर रीड बोलकर कहाँ पर मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को, तो दिखाऊंगा रीड बोलकर, रीड रन यहाँ पर दिखा रहा है, री डॉट सी एस बी पर है देखो, उस पर क्लिक करूंगा मैं री डॉट सी एस बी पर, यहाँ पर एरर आ रहा, अनकैच एरर, फंक्शन नेम मस्ट बी स्ट्रिंग इन स्टैक ट्रेस मेन थ्रो लाइन 3 में एरर आ रहा, देखेंगे क्या कौन सा एरर आ रहा। यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर एफ गेट सी एस बी को, यहाँ पर ये फंक्शन है, मैं इसको डॉलर सिंबल डाले तो ये एक वेरिएबल समझ जाए, इसलिए इसको डॉलर सिंबल काटूंगा, यहाँ देखो पहले का रजिस्टर नंबर प्रिंट हुआ 109 सी एस 1806, नेम हुआ अखिलेश रेड्डी, सेकंड रजिस्टर नंबर प्रिंट हो रहा अंकुश, ऐसे बाबूराव, ऐसे गुरुराज, ऐसे प्रिंट हो रहा, हम ऐसे ही रीड कर सकते हैं सी एस बी फाइल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।